He is the king. No, he's the Badshah. King. Badshah. Okay, king and Badshah. सो हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम कुछ इसी तरह का स्टेटस बनाने वाले हैं जो अभी आपने वीडियो की स्टार्टिंग के प्रीव्यू में देखा है। सो गाइज, अगर आप भी अपनी फोटोज लगाकर कुछ इस तरह का एटीट्यूड स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। गाइज, अगर आपके पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो इसका लिंक मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके इस लेटेस्ट वर्जन अलाइट मोशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, ऑल मटेरियल्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सिंपली जाके डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, यहाँ पर बीट मार्क प्रोजेक्ट और शेक इफेक्ट दोनों को ही आपको अलाइट मोशन में यहाँ पर कुछ इस तरह से क्लिक करके इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर जैसे इंपोर्ट के ऑप्शन में क्लिक करोगे गाइज, यहाँ पे ये रीडायरेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा अलाइट मोशन एप्लीकेशन में। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो गाइज, मैंने पहले सारा कुछ यहाँ पर बना के रख दिया ताकि गाइज आप लोग ज़्यादा मेहनत ना लोगे। ठीक है, इस फॉन्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपको सिंपली क्या करना, इस फॉन्ट पे या लिरिक्स पे क्लिक कर लेना है, एडिट टेक्स्ट में आ जाना, यहां पर फॉन्ट ये वाला मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो व्यू ऑल फॉन्ट पे क्लिक करके इस ऑप्शन में क्लिक करके इंपोर्ट फॉन्ट के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है और गैलरी से गाइस आपको अपने फॉन्ट को ऐड कर लेना होगा। ओके, तो कुछ इस तरह से इस फॉन्ट को ऐड कर लेना, उसके बाद में दूसरी वाली लिरिक्स रहेगा उसको भी कुछ इस तरह से क्लिक करके ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर क्या करना है, ये जो ऊपर इमोजी है इसको क्लिक करके बीच में कट लगा लेना, जैसे कि अपने लिरिक्स को में कट लगा हुआ है, फिर से आगे की तरफ आके फिर से कट लगा लेना, फिर से आगे की तरफ आकर कट लगा लेना है। सो गाइज, जहाँ जहाँ पे लिरिक्स है, जहाँ जहाँ पे बीट है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर कट लगा लेना होगा। ओके, कट लगाने के बाद में गाइज अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से 6 सेकेंड के बाद में इधर जितने भी बीट देखने को मिल रहा है इन सभी में गाइज आपको अपनी फोटोज़ को ऐड करना होगा। ओके, तो चलिए फोटोज़ को ऐड करते हैं। प्लस पर क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आकर गाइस सिंपली यहां पर अपनी गैलरी में आ जाएंगे। ओके, और गैलरी से गाइस यहां पर अपनी फोटोज को ऐड कर लेना होगा जिस फोटो से आप अपना स्टेटस बनाना चाहते हो। तो यहां पर मैं फोटोज को ऐड कर लेता हूं, 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना है, देन मूव एंड ट्रांसफर में आकर थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके कुछ इस तरह से फोटोज को जूम कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके अपनी फोटोज को बीच में फिक्स कर लेना है, फिर से इस ऑप्शन में क्लिक करके जहां तक बीट होगा वहां तक आ जाना है, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट फोटो की ऑप्शन में क्लिक करके ट्रिम कर लीजिएगा। ओके, फिर प्लस पर क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आकर नेक्स्ट फोटोज को ऐड कर लेना है, मूवमेंट ट्रांसफर में आकर थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके कुछ इस तरह से गाइज आपको अपनी फोटोज को जूम कर लेना है और यहां पर जूम करने के बाद में बीच में फिक्स कर लेना है, बैक होकर फिर से इस ऑप्शन में क्लिक करके फोटो के एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लीजिएगा, फिर प्लस पर क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आकर गाइज दूसरी फोटोज को ऐड कर लेना, मूवमेंट ट्रांसफर में आकर थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके अपनी फोटोज को कुछ इस तरह से फिर से जूम कर लेना है, फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके गाइज फोटोज को यहां पर बीच में फिक्स कर लेना है, फिर से इस ऑप्शन में क्लिक करके फोटो की एक्स्ट्रा पार्ट को गाइज यहां से ट्रिम कर लेना है। ओके, सो गाइज यहां पर स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरह से आपको अपनी फोटोज को यहां पे ऐड कर लेना होगा। ओके, तो गाइज थोड़ी सी बीट ज्यादा है, तो चलिए यहां पर मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूं, पहले फोटोज को अच्छे से ऐड कर लेता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि लिरिक्स में कैसे इफेक्ट लगाना है, फोटो में कैसे इफेक्ट लगाना है। तो गाइज वीडियो को फुल एंड तक जरूर वॉच करते रहना। सो फाइनली गाइज यहां पर मैंने सभी लिरिक्स को अच्छे से यहां पर फिक्स कर दिया, देन गाइज आपको इधर जो है सभी फोटोज को भी यहां पे ऐड कर लेना होगा। ओके, अब आपको क्या करना है गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बोला था प्रीसेट को भी इंपोर्ट कर लेना है, तो मैंने गाइस पहले से इंपोर्ट करके रखा हुआ है, तो बैक होके गाइस यहां पे प्रोजेक्ट के ऑप्शन में आके प्रीसेट में आ जाऊंगा गाइस। ओके, यहां पर प्रीसेट में आने के बाद में कुछ इस तरह से मिल जाएगा, देन सेकंड में गाइस कुछ इस तरह से फोटो वाला, थर्ड में भी फोटो वाला, नेक्स्ट में भी, एंड में भी फोटो वाला। ओके, सो गाइस सबसे पहले तो यहां पर जो बैकग्राउंड में ये देखते हो जो नीचे जो सबसे नीचे दिख रहा है इसको क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आकर 3 डॉट पे आकर कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा। ओके, अब बैक होकर गाइस उसी प्रोजेक्ट में आ जाएंगे जिसमें अपने एडिटिंग कर रहे हैं, अभी नीचे में ये वाला जो ऑप्शन जिसे हमने सिलेक्ट कर रखा है, ये जो गाइस फोटो है या इमेज है बैकग्राउंड में, इसको क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आकर 3 डॉट पे आकर पेस्ट कर लेना, कुछ इस तरह से गाइस ये इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ओके,
उसके बाद बैक हो कि गाइज यहाँ पर इसी इफेक्ट में आ जाएंगे। उसके बाद में प्रीसेट में गाइज फिर से हम आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऊपर लिरिक्स वाला है क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट करके गाइज यहाँ पे कॉपी कर लेना है, देन इसी प्रोजेक्ट में फिर से आ जाएंगे। अब गाइज हमने ऊपर जो अपना जो एक इमोजी ऐड कर रखा है इसको भी क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेना है, नीचे लिरिक्स पे भी क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेना है। फिर से गाइज नीचे जो इमोजी है या लिरिक्स है इसको भी क्लिक करके पेस्ट कर लीजिएगा, देन गाइज यहाँ पर आपको ऊपर जो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरह से पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो इमोजी पे भी और लिरिक्स पे भी गाइज आपको सिंपल ये दो एक ही इफेक्ट को यहां पर कुछ इस तरह से क्लिक करके ऐड कर लेना होगा। सो गाइज यहां पे एंड तक आपको लगा लेना, मैं यहां पे कुछ एग्जांपल के लिए आपको दिखा दिया हूं, देखो कुछ इस तरह से लगा लेना होगा, ओके। सो गाइज यहां पर लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है, बैक होके फिर से इसी प्रीसेट में आ जाएंगे और गाइज थोड़ी सी बैकग्राउंड में नॉइज आ रही थी उसके लिए गाइज सॉरी, ठीक है। अब यहां पर फर्स्ट वाली जो फोटो गाइज इसको क्लिक कर लेना है, ठीक है। इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पे आकर कॉपी इफेक्ट करके गाइज उसी प्रोजेक्ट में आ जाएंगे जिसमें अपना एडिटिंग कर रहे हैं। अब इधर आते हैं गाइज, ओके। अब यहाँ से जितने भी फोटो स्टार्ट होगा ना गाइज यहाँ तक आपको यही वाला इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे गाइज, ओके। क्लिक करने के बाद में इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके पेस्ट कर लेंगे, फिर से क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेंगे, फिर से गाइज यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेना है। तो गाइज यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेना है, इधर भी क्लिक कर लेंगे इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेंगे, इधर भी क्लिक करके गाइज यहाँ पर इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेना है। गाइज ये बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रीसेट है और इस प्रीसेट को बनाने में थोड़ी सी मेहनत भी लगी है, तो गाइज एक लाइक तो गाइज बनता है। कुछ इस तरह से इसको क्लिक कर लेंगे और इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके पेस्ट कर लेंगे, ओके। सो गाइज यहां पर देखो आपके लिरिक्स यहां पे प्ले होने लग जाएगा और लिरिक्स जैसे एंड होगा कुछ इस तरह से आपकी फोटोज में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब ये सिंगल फोटो जिसकी ड्यूरेशन ज्यादा है तो बैक हो किसी प्रीसेट में आ जाएंगे और ये वाला जो इफेक्ट है कुछ इस तरह से फ्लिकर वाला, इसको क्लिक करके इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट करके उसी प्रोजेक्ट में आ जाना है आपको, ठीक है। अब जो सिंगल फोटो दिखाया था ये वाला, इसको क्लिक कर लेना है गाइज आपको और यहाँ पे इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके पेस्ट कर लेना है। बैक होकर मूवमेंट ट्रांसफर में आके इसको बीच में फिक्स कर लेना है। अब देखो गाइज हमारा इधर भी इफेक्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे लग चुका है, ओके। फिर से बैक होकर गाइज इसी प्रीसेट में आ जाएंगे। अब एंड में यहाँ पर कुछ इस तरह से शेक इफेक्ट मिलेगा, इसको क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके इफेक्ट कर लीजिएगा, देन गाइज बैक होकर फिर से उसी प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। अब एंड में जितने भी फोटोज बच गया होगा इस फोटो के बाद में, अब एक एक करके गाइज यहां पर क्लिक कर लीजिएगा, इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेना है, फिर से गाइज इधर भी क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेना है, फिर से गाइज इधर से क्लिक कर लेना है और इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेना है। तो गाइज वीडियो के एंड तक आपको कुछ इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। मैं एक बार आपको वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूं। देखो गाइज कुछ इस तरह से इधर आपके यहां पर लिरिक्स प्ले होते हुए दिख जाएगा, ओके। और लिरिक्स के बाद में गाइज कुछ इस तरह से यहां पर फोटोज में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फाइनली गाइज अब हमारा स्टेटस वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, इस ऑप्शन में क्लिक कर लीजिएगा, एक्सपोर्ट करके गैलरी में सेव कर लेना है। सो गाइज वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।